हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हालचाल। वेलकम विद कृतिका सा। तो दुनिया की जो पहली माँ बनी है जो कि अपने बेबी को फीड करवा रही है। जी हाँ गाइस, फीड करवा रही है। ध्यान से सुनिएगा इस वर्ड को, फीड करवा रही है, क्योंकि उन्होंने अपने व्लॉग में ये बातें बार बार बताई है, बार बार इस चीज़ को डिक्लेयर किया है कि वो फीड करवाती है, वो अपने रूहान को फीड करवा रही है, फीड करवा रही है, फीड करवा रही है। और उनका जो लास्ट व्लॉग आया वो भी टोटली फीड के ऊपर ही है। तो वो ऐसी माँ है जो कि अपने बच्चे को फीड करवा रही है, क्योंकि दुनिया में तो ऐसी और कोई माँ है ही नहीं जो कि फीड करवाती है। शी इज़ अ सुपर वुमेन, और जो चीज़ वो कर सकती है वो तो कोई और कर ही नहीं सकता। जैसा कि आप लोग जानते ही है कि जैसे ही डिलीवरी हुई, डिलीवरी के अगले दिन से ही वो उछलने कूदने लग गई, जबकि उसका सी सेक्शन हुआ था। और सी सेक्शन होने के बाद नॉर्मल जो मदर्स होती हैं उनके लिए उछलना कूदना तो दूर, हिलना डुलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये तो सुपर वुमेन है, तो इसने तो सब कुछ किया, तो ये सुपर वुमेन अब फीड भी करवा रही है। पता नहीं क्या समझ में आता इन लोगों को, इस चीज़ को इतना ज़्यादा हाइलाइटेड क्यों कर रहे हैं। ये जो मैडम साहिबा है, इसने जो अपना जो लास्ट ब्लॉग डाला, इसमें फीड को लेकर के इसने इतनी सारी बातें कही हैं, इतना ज़्यादा चपर 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 कर रही है कि सामने वाला भी सुन करके भी ना, उसके भी कान सोच रहा होगा कि क्यों नहीं मेरा कान बहरा क्यों नहीं हो गया जो मैं इतनी सारी इसकी चपर चपर सुन रही हूँ। अरे भाई मैडम साहिबा, आप क्या साबित करना चाह रहे हो कि आप ही माँ हो? अरे हम लोगों ने ये बात मान लिया है, सब ने ये बात मान लिया कि आप ही हो उसकी माँ, यानी कि आप ही हो रूहान की मदर। कोई भी सेरोगेसी नहीं हुई है, किसी और का बच्चा नहीं है, कुछ भी नहीं, आप ही ने जना है उसे अपने पेट से। ये बात हम सभी ने मान लिया है। तो बार बार इस चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए, अपने आप को सही साबित करने के लिए, लोगों को प्रूफ करने के लिए कि आप माँ बन चुकी हो, फीड के ऊपर इतना लेक्चर देने की क्या ज़रूरत है? लोगों ने मान लिया है कि आप ही माँ हो उसकी, तो बार बार इस चीज़ के ऊपर क्लैरिफाई नहीं करो। ऊपर से इस मैडम को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। ये जो लास्ट वाला ब्लॉग इसने बनाया, हमें सुनते सुनते एक अजीब सा लगने लगा, जबकि फ़िलहाल हम लोग तो फिर लेडीज़ हैं, फिर भी हम सुन लेते हैं, हम इस चीज़ से रिलेट करते हैं कि हाँ ये चीज़ तो होती है। लेकिन आप जो बता रहे हो, जो कह रहे हो, जितना डीपली डिफ़ाइन कर रहे हो, वो ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ लेडीज़ ही आपका ब्लॉग देखती होगी, जेंट्स भी देखते होंगे, बाकी सब एज के लोग भी देखते होंगे। तो मतलब उनको इतना क्लैरिफाई कर कर करके बताना, इसी तरह इसने किया था जब इसका जो डिलीवरी हुआ था, डिलीवरी के टाइम पे जो सिचुएशन इसके साथ में हुई, किस तरह से ब्लीडिंग वगैरह हुई, ये सारा कुछ इसने एक ब्लॉग में ये भी एकदम डीपली बताया था। उस समय भी मैंने एक ब्लॉग बनाया था, एक पोस्टकास्ट बनाया था, अपना ओपिनियन रखा था कि इतना डीपली बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आप नॉर्मल वे में भी बोलते तो लोग समझ जाते, लेकिन जितना डीपली इसने बताया कि ऐसे ऐसे कर करके मेरे साथ में हुआ था, उसी तरह से उतना ही डीपली अब ये फीड के बारे में बता रही है। और अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो जब फीड से रिलेटेड इसने ड्रेसेस दिखा रहे हैं कि मुझे ये सारे प्रमोशंस आए हैं, ये सारे ब्रांड्स मुझे ड्रेस भेज रहे हैं, ये भेज रहे हैं, वो भेज रहे हैं, वो सारे ड्रेसेस जब इसने दिखाए, तो उस समय की जो शूटिंग है वो धर्म दादा कर रहे थे। तो एक जेंट्स के सामने इस तरह से फीड को लेकर के इतनी बातें बताना, बार बार फीड की ड्रेस है, फीड की ड्रेस है, फीड की ड्रेस है, फीड के लिए कंफर्टेबल है। अरे भाई, सबको पता है कि फीड के लिए मैटरनिटी अलग से ड्रेसेस आते हैं, और एक जेंट्स के सामने इस तरह से जो तुम बार बार बोल रहे हो, इसे खुद को शर्म नहीं आता? मतलब इतनी बेशर्म है ये, बाद बाकी ये दूसरे के बारे में क्या सोचेगी कि दूसरा अगर कोई सुन रहा होगा तो उसे शर्म आ रहा, जबकि इसे तो खुद को शर्म नहीं आता, क्योंकि सामने धर्म दादा खड़े हैं और ये उनके सामने ये सारी बातें कर रही है। और इसे तो नहीं आता, साथ ही साथ इसके जनाब भी इतने वाहियात है कि वो भी अपने व्लॉग्स में दिखा रहे, ये तो बात कर रही है, वो तो फीड करवाते हुए दिखा रहे हैं कि देखो ये फीड करवा रही है, देखो ये फीड करवा रही है। हद हो गई। जबकि उससे पहले एक सीन पहले आया था जब जनाब ने दिखाया कि देखो वो फीड करवा रही है, तो उस समय काफ़ी ज़्यादा लोगों का कहना था कि जिस तरह से रूहान का फेस नज़र आ रहा है, उसका हेड नज़र आ रहा है, देख के लग नहीं रहा है कि वो फीड कर रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस था उसमें और दीपिका के बीच में, तो नहीं लग रहा था देख करके कि हाँ वो फीड कर रहा है। ये सिर्फ झूठा दिखावा करने के लिए, ये सिर्फ झूठ कहने के लिए जनाब ने दिखाया। उसके बाद तो जनाब ने एकदम सामने से दिखाया जब मैडम फीड करवा रही थी तो, कि दीपिका फीड करवा रही है। मतलब हद हो गया गाइस, इन लोगों को ना कोई शर्म है, ना पर्दा है, ना कोई लिहाज है। इसी तरह ये जो गुब्बारा मैडम है, ये भी अपनी किसिंग सीन्स दिखाते रहती है अपने व्लॉग में, व्लॉग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए, अपने इंटीमेट मोमेंट्स जो होते हैं
प्राइवेट रूम के वो ये शेयर करती है पब्लिक के साथ। और अब ये दीपिका मैडम जो है वो फीडिंग करवाते हुए दिखाती है। अब बोलेगी क्या कि मैं क्या आप लोगों को सामने से दिखाऊं कि मैं कैसा फीड करवाती हूँ, क्या करवाती हूँ, नहीं करवाती हूँ? अरे तुम्हें कौन बोल रहा है दिखाने के लिए? इस मैटर पे तो किसी ने चर्चा भी नहीं किया है कि हाँ ये फीड करवाती है या नहीं करती है, कोई इस बारे में बात तक नहीं करता। लेकिन ये खुद सबके सामने इस बात को लेकर के उछाल रही है कि मैं फीड करवाती हूँ, फीड करवाती हूँ, फीड करवाती हूँ। बेशर्मी की एक लेवल होती है, उस लेवल तक को इसने क्रॉस कर दिया। ये क्या करती है ना, ये सब चीज़ का लेवल बीट करती है, जिसने जैसे कि पैम्परिंग वाला लेवल, पैम्परिंग का लेवल इसने एक सेट कर दिया है। उसे अब सनी साहब जो है वो बीट करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी गुब्बारा मैडम को पैम्परिंग फिल कराने का, वहाँ इसने लेवल सेट कर दिया। एक फरिश्ता बहू का लेवल है, वहाँ इसने लेवल सेट करके रखा है। आदर्शवादी पत्नी, भाभी, ये सारा लेवल भी इसने सेट करके रखा है कि वो चीज़ कोई बीट नहीं कर सकता। संस्कारी बहू, एकदम बेचारी लाचारी बहू का जो टैग इसने सेट करके रखा उसे भी कोई बीट नहीं कर सकता। अब ये सेट करने वाली है एक प्यारी सी माँ, फीड करवाने वाली माँ, जो कि अपने बच्चे को 24 आवर्स फीड करवाती है, 24 घंटा। ऐसा फीड कोई नहीं करवाता। अब इस लेवल को भी कोई सेट नहीं कर पाएगा। और इसके साथ साथ बेशर्मी का भी लेवल इसने सेट किया है कि जितनी बड़ी बेशर्म ये है उससे ज़्यादा नीचा हरकत और उससे ज़्यादा बड़ा बेशर्म और कोई हो नहीं सकता, क्योंकि उस लेवल को कोई बीट नहीं करने वाला और ना कोई बीट करना चाहता होगा। जितना बड़ा बेशर्मी का लेवल इसने सेट किया है, हद हो गया। अपने बारे में, अपने बॉडीज़ के बारे में आप इतना क्लियरली, इतना डिफाइनली बता रहे हो, वो भी व्लॉग्स में, जबकि आपके 3 मिलियन फॉलोवर्स है, 3 मिलियन लोग देखेंगे। और क्या पता, मतलब ज़रूरी नहीं कि 3 मिलियन ही देखेंगे, क्योंकि एक फैमिली में काफ़ी सारे मेंबर्स होते हैं। हो सकता है आपके जो एक सब्सक्राइबर्स है वो एक फैमिली से हो, दूसरे फैमिली से अलग सब्सक्राइबर्स हो, तो एक फैमिली में उतने सारे मेंबर्स है, वो सब तो देखेंगे ना। मतलब कितने लोग इसका व्लॉग देखते हैं और उन सब के सामने इतना बेशर्मी तरीके से ये सारी चीज़ें खोल खोल के डिफ़ाइन करके बता रही है। मतलब छी दीपिका मैडम, औरत के नाम पे आप एकदम धब्बा हो। इतना ज़्यादा नीची हरकत करना, इतना नीचा गिरना, ये बिल्कुल भी सही नहीं। संभल जाओ दीपिका मैडम, संभल जाओ। अब तो माँ बन गई हो, एक स्टेज ऊपर आ चुकी है, अब तो संभल जाओ और अब तो अपनी हरकतें बंद कर दो। वेल गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इब्राहिम फैमिली से जुड़ी जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल पर बने रहे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।